A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So in previous class we have already completed the chapter 10 of your macroeconomics, that is government budget and the economy. So in today's class we are going to start with the chapter 11, foreign exchange rate. Okay, so it is your one of the second last chapter of your macroeconomics. Okay, so in this chapter we are going to study the what is the meaning of the foreign exchange and the foreign exchange rate, types of the foreign exchange rate, in which we will discuss the fixed exchange rate system, flexible exchange rate system and the managed floating exchange rate system. The next topic, that is determination of the flexible exchange rate. So this topic has been deleted from your syllabus. You know very well, due to COVID your syllabus has been reduced up to the 30%. So determination of the flexible exchange rate you don't need to study, so we will not discuss about this topic. Next topic that we are going to study is causes of change in the rate of the foreign exchange, in which we will discuss the depreciation of currency, appreciation of the currency, reason and the causes for the rise in the demand for the foreign currency, and the reason and causes for rise in supply of the foreign currency. Next topic that we are going to study is meaning and functions of the foreign exchange market and the operation of the foreign exchange market, in which we discuss the spot market and the forward market. Okay, so all these topics that we are going to study in this chapter. So let's start. So foreign exchange rate. So in a modern setup of today's world, all countries have the economic relation with their countries. देखिए मॉडर्न सेटअप में, मॉडर्न टूडेज वर्ल्ड में हमें पता है कि हर एक कंट्री क्या है, अनदर कंट्री के साथ इकोनॉमिक रिलेशन में है. देयर इज इंक्रीजिंग इंटर डिपेंडेंस अमंग ऑल दी कंट्रीज. हर एक अब ऑल कंट्री में क्या है, एक दूसरे के बाद इंटर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, क्योंकि उन्हें क्या है, किसी कंट्री से इम्पोर्ट करना है, किसी कंट्री को इम्पोर्ट करना है, कुछ किसी कंट्री से एक्सपोर्ट करना है. तो आज के टाइम में कोई भी कंट्रीज क्या हो गई हैं, बहुत ज़्यादा इंटर डिपेंडेंट हो गई हैं और दी कंट्रीज के साथ. सो एज ईच कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी, ये हमें पता है एकदम बहुत अच्छे से कि हर एक कंट्री की क्या है, अपनी करेंसी. आपको पता है इंडिया की क्या है, इंडियन रुपी है, अमेरिका की डॉलर है, चाइना की रेनमिनबी है, पाकिस्तान में पाकिस्तान का रुपी चलता है. तो ऐसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग क्या है, उनकी करेंसी होती है. सो येन इन जापान, जापान में क्या है, येन है, डॉलर है अमेरिका में. सो डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ कंट्री कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली इन एनी अदर कंट्री. अब डोमेस्टिक करेंसी हम क्या है, किसी और कंट्री में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम वहाँ पे इंडियन रुपी लेके अमेरिका जाएंगे तो वहाँ उनकी जो उसकी वैल्यू है वो जस्ट इक्वल टू अ पेपर, एक पेपर के इक्वल है, कि उसका कोई वहाँ पे करेंसी नहीं. अब यहाँ पे हम अमेरिका वो डॉलर लेके किसी एक शॉप पे जाते हैं, ये परचेज करना है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है, तो हर एक कंट्री की अपनी क्या होती है, करेंसी होती है. सो इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू करेंसी ऑफ अनदर कंट्री देन टू बी यूज्ड इन ट्रांजेक्शन. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उस करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अब हम इंडिया जा रहे हैं, सॉरी इंडिया में तो है, फॉरेन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, तो अब हम अमेरिका में क्या करेंगे, या तो हम यहीं पे अपने डॉलर कन्वर्ट करके जाए, या तो हम क्या करें, वहां जाके उसको कन्वर्ट करेंगे, तब हम उस डॉलर को एज अ डॉलर हम करेंसी को वहां पे यूज कर सकते हैं ट्रांजेक्शन के लिए, कुछ परचेस करने, अदरवाइज वो यूज नहीं होगा. ठीक है, सो द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री इज कन्वर्टेड इनटू करेंसी ऑफ अदर कंट्री, कि जिस रेट से एक करेंसी की, एक कंट्री की जो करेंसी है वो कन्वर्ट होती है अनदर कंट्री की करेंसी से, उस रेट को क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट और द फॉरेन रेट ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, जैसे आप क्या है, आप अपनी कंट्री का एक रुपया दे रहे हो, एग्जाम्पल है, आप अपनी कंट्री का एक रुपया दे रहे हो तो किसी और कंट्री का 50 रुपीज मिल रहा है, तो कन्वर्ट करेंगे ना आप, यहाँ पे क्या करोगे, हम लोग इंडिया 75 रुपीज दे रहे हैं, ठीक है, हम इंडियन रुपी की 75 रुपीज दे रहे हैं, तो अमेरिका का हमको एक डॉलर मिल रहा है, आप अपना 75 रुपीज दोगे, मतलब आप 50 की नोट दे रहे हो, 20 की नोट दे रहे हो और 5 पैसा दे रहे हो, सॉरी 5 रुपीज दे रहे हो, तो 5 का कॉइन दे रहे हो, इतना रुपीज आप दोगे तो आपको अमेरिका का 1 US डॉलर मिलेगा. ठीक है, जिस रेट से, अब ये रेट 75 होगा, ये रेट 80 होगा, ये रेट
65 होगा, ये रेट 70 होगा, ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है। तो जिस रेट से एक कंट्री की करेंसी कन्वर्ट हो रही है दूसरी कंट्री की करेंसी से, जिस रेट से, उस रेट को क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। कि फॉरेन करेंसी को हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जिस रेट से हम कन्वर्ट करते हैं एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में, उस रेट को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, उस करेंसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो अभी क्या है, नेक्स्ट है आपका मीनिंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड द फॉरेन एक्सचेंज रेट। कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज, ओके, सो इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ स्टॉक ऑफ, जिसमें क्या होता है, सम टोटल ऑफ स्टॉक्स ऑफ, उसमें किसका स्टॉक होता है, फॉरेन करेंसीज का, अब इस फॉरेन एक्सचेंज में हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को नहीं लेंगे, हम हमेशा फॉरेन करेंसी को ही लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज की। और क्या होगा यहाँ पे, सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स, ये सारे जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, इशूड बाय दी गवर्नमेंट एंड कोई भी कॉरपोरेशन जो भी है, कोई भी इंटरप्राइजेस जो है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, इट इज द सम टोटल ऑफ स्टॉक ऑफ, किसका स्टॉक है, फॉरेन करेंसी का। और क्या होगा, जो भी सिक्योरिटीज हैं, जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं, जिसमें बॉन्ड्स आ जाएंगे, डिफरेंट ट्रेजरी बिल आ जाएंगे, जितने भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं, जो भी सिक्योरिटीज हैं, सिंपली सिक्योरिटीज हैं, जो बॉन्ड्स हैं, वो कौन इशू कर रहा है, उस वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है या कॉरपोरेशन, कोई भी कॉरपोरेट्स बॉडी, कोई बिजनेस इंटरप्राइजेस है, वो जो भी क्या कर रही है, सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स इशू कर रही है, उनको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज। कि इसमें सम टोटल क्या आता है, फॉरेन करेंसी आ जाएगी, और जो भी सिक्योरिटीज और बॉन्ड किसके थ्रू इशू हो रहा है, कोई भी कॉरपोरेट बॉडी के थ्रू और गवर्नमेंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट, ओके, अब देखिए क्या है, सो इट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर। एक कंट्री की करेंसी को हम अनदर के टर्म में लेते हैं। सो इट कैन बी डिफाइंड इन टू ऑल्टरनेटिव वे, इसको हम क्या कर सकते हैं, टू ऑल्टरनेटिव वे में डिफाइन कर सकते हैं। सो इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिक्वायर्ड टू बाय अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट हम फॉरेन डोमेस्टिक करेंसी को दे रहे हैं, सो दैट वी कैन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द अनदर कंट्रीज इन द फॉरेन करेंसी। कि हम अपनी इंडियन रुपी, अपनी डोमेस्टिक करेंसी, कोई भी अमेरिका के जो भी इसकी डोमेस्टिक करेंसी हो, तो कोई भी डोमेस्टिक करेंसी को हम कितना दे रहे हैं कि हम अनदर कंट्री के जो भी करेंसी है उसको हम परचेज कर सकें, उनके जो भी प्रोडक्ट हैं हम उनको परचेज कर सकें। जैसे यहाँ पे दिया है $1 = 50, यहाँ पे क्या मतलब है, $1 किसके इक्वल है, 50 रुपीज के, मतलब आप अमेरिका का $1 यहाँ पे इंडिया के किसके इक्वल है, 50 के। तो अभी ये बहुत पहले का, अभी के जो डेटा है, अभी ये जो है ये 75 के अराउंड है, ठीक है, तो $1 किसके इक्वल है, 75 के, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज रेट किसके बीच में, इंडिया और अमेरिका के बीच में। कि अगर हम लोग क्या करेंगे, हम अपना 75 रुपीज दे रहे हैं, हम अपना 50 रुपीज दे रहे हैं, तो हमको रिटर्न में उनके $1 मिल रहा है, ठीक है। यही होता है कि जिस रेट पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। सो द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री इज कन्वर्टेड, करेंसी ऑफ वन कंट्री इज कन्वर्टेड इन टू द करेंसी ऑफ अदर कंट्री। की जिस रेट से जो भी एक कंट्री की करेंसी कन्वर्ट हो रही है अनदर कंट्री की करेंसी से, इस कॉल्ड फॉरेन रेट ऑफ एक्सचेंज, उसको हम लोग फॉरेन रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं और फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। सो इट रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी। ये क्या बताता है, ये
कोई भी कंट्री की या करेंसी की एक्सटर्नल परचेजिंग की हम क्या है, हम इसमें जब भी कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज तो इसका मतलब है कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, तो इसमें जो भी हम एक्सटर्नल के जो भी गुड्स हैं, अदर कंट्री के जो भी गुड्स हैं, उनको हम कितने में, हमारी पावर करेंसी की कितनी ज़्यादा है कि हम एक्सटर्नल परचेजिंग पावर, हम एक्सटर्नल परचेजिंग कर सकें, मतलब हमारी कंट्री की कितनी पावर है, हमारी करेंसी की कितनी पावर है कि हम एक्सटर्नल परचेजिंग कर सकें, ठीक है। सो इट इज़ द रेट एट विच एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ अ नेशन आर वैल्यूड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये वो रेट होता है जिस रेट पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किसी भी नेशन का क्या होता है, वैल्यू होता है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो आपका रेट है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वहां पे डिफाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, कि फॉरेन एक्सचेंज समझ गए कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, कि जिस रेट से एक कंट्री की करेंसी कन्वर्ट होती है अनदर करेंसी ऑफ द कंट्री की, करेंसी ऑफ द अनदर कंट्री की, कोई अदर कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट होती है जिस रेट से, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली बोलते हैं उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि ये जो टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि ये टाइप्स से बेसिकली मतलब है कि ये $1.75 होगा, $1.80 होगा, $1.85 होगा, ये कौन डिसाइड करे, ये ऐसा तो है नहीं कि अपने मन से कोई भी उठा बोल दिया नहीं $1.50 कर लेते हैं, नहीं, इसका कोई तो उसके पीछे कोई रीजन होगा ना जिसकी वजह से हम ये कर रहे हैं, तो इसमें ही आता है आपका टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। सो द टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 3, ओके। इसमें फर्स्ट क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, एंड द लास्ट वन इज मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज में फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल एंड द मैनेज्ड फ्लोटिंग, मैनेज्ड फ्लोटिंग, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम भी लिख लीजिए, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम रेट, ठीक है। तो टाइप्स क्या हो गया फॉरेन एक्सचेंज के, 3 टाइप्स हो गया, पहला है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, सेकेंड है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, थर्ड है आपका मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, ठीक है। अब इन्हीं के थ्रू क्या होगा, यही ये जो 3 काइंड है इन्हीं के थ्रू डिसाइड होता है कि जो फॉरेन करेंसी है, जो फॉरेन करेंसी है $1 आपका $80 होगा, $1 आपका $75 होगा, ये सब उन्हीं के थ्रू क्या होता है, डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फिक्स एक्सचेंज रेट, ये फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक है। तो समझ गए ना, 3 टाइप्स क्या हो गए, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड दी मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब इन तीनों को हमें क्या करना है, 1 by 1 डिस्कस करना है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। तो दे रहा है इसमें, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू द सिस्टम इन विच द रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। देखिए सिंपली आप एक बार ये सुन लीजिए, जो फिक्स्ड होता है, जो फ्लेक्सिबल होता है, जो मैनेज फ्लोटिंग होता है, फिक्स्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है बेसिकली कि ये जो रेट होगा कि $1 आपका $70 होगा, $1 आपका $80 होगा, $1 आपका $65 होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं $1 क्या है, इतना होना चाहिए तो उतना होगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल भी क्या होता है, फ्लेक्सिबल में होता है इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, कि कितना डिमांड हो रहा है और कितना सप्लाई हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, उसके हिसाब से क्या होता है, ये डिसाइड होता है, ठीक है।
तो ये किसके थ्रू डिसाइड होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आपका प्रॉपरली डिसाइड होता है कि कितना क्या है आपका रेट चल रहा है, मतलब डिमांड उसकी कितनी है, उसकी सप्लाई कितनी ज्यादा हो रही है, उसके हिसाब से हम फॉरेन एक्सचेंज का रेट डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट है आपका मैनेज फ्लोटिंग. मैनेज फ्लोटिंग इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड भी बोलते हैं, मतलब ये कॉम्बिनेशन होता है. जब गवर्नमेंट क्या करती, गवर्नमेंट पहले इसमें डिसाइड करती, गवर्नमेंट में आरबीआई मतलब जो भी सेंट्रल बैंक है वो डिसाइड करती है. अगर उनके हाथ से ये कंट्रोल नहीं होता है, उनके थ्रू ये डिसाइड नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे किसका इंटरफेरेंस होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है. और इंडिया में क्या है, ये मैनेज फ्लोटिंग ही रेगुलेट होती है. ठीक है, समझ में आ गया. फिक्स्ड में क्या है, जो वर्ड समझ आई, फिक्स्ड विच मीन्स कि इट इज दी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. वो जो रेट होगा वो डिसाइड कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी. नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबल. इसमें क्या होगा, जो भी डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग वो रेट डिसाइड होगा. थर्ड वन है आपका मैनेज फ्लोटिंग, जिसमें दोनों का फिक्स्ड एज वेल एज फ्लेक्सिबल का ये कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. सो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम जिसमें जो रेट ऑफ एक्सचेंज है, किस रेट पे एक्सचेंज होगा, इट इज डिटरमाइंड बाय दी, इट इज डिसाइडेड बाय दी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें डिसाइड करती है. ठीक है, ओके. सो अंडर दिस सिस्टम गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टेबलाइज दी एक्सचेंज रेट. इस सिस्टम में क्या होता है कि गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है कि एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करेगी, एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करेगी. सो अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, ईच कंट्री मेंटेन्स वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, अदर प्रीशियस मेटल, अनदर कंट्रीज करेंसी. देखिए, जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, इसमें हर एक कंट्री क्या करती है, अपनी अपनी जो कंट्री की करेंसी है उसको फिक्स किसके अकॉर्डिंग करती है, गोल्ड के हिसाब से, कि गोल्ड की कितनी वैल्यू, उस हिसाब से वो अपनी वैल्यू कर लेगी. सिल्वर के हिसाब से और जो भी प्रीशियस मेटल है उसके हिसाब से वो अपनी वैल्यू को फिक्स करेगी, एज वेल एज जो कंट्री अदर कंट्री की करेंसीज है उनके अकॉर्डिंग वो अपनी वैल्यू को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, तो जैसे अब इंडिया का है, इंडिया अगर इंडिया में क्या है कि डिसाइड करना है कि कितना होगा डॉलर, कितना हम इंडियन रुपी देंगे तो ये किसके इक्वल होगा, तो वो किसके थ्रू डिटरमाइन होगा कि कितना हम गोल्ड दे रहे हैं, किस ग्राम के हिसाब से, कितना 1 kg गोल्ड दे रहे हैं, तो इंडिया की वैल्यू कितनी हो रही है. तो ये क्या होता है, वहीं पे इन प्रीशियस मेटल के अकॉर्डिंग या अनदर कंट्री की जो करेंसी है उसके थ्रू क्या होता है, ये डिटरमाइन होता है. ठीक है, सो देयर वर टू सिस्टम ऑफ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के क्या है, टू सिस्टम है. पहला आपका गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम. नेक्स्ट है आपका ब्रेटन वुड्स सिस्टम. ठीक है, अब ये जो आपका फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है, ये डिटरमाइन किसके थ्रू होता है, टू वेज के थ्रू डिटरमाइन होता है. पहला आपका गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, सेकेंड है आपका ब्रेटन वुड सिस्टम. तो पहला है आपका गोल्ड स्टैंडर्ड. ओके, इसमें क्या कह रहा है, ये इसका जो टाइम पीरियड था, ये कब से रेगुलेशन था, 1870 से ये 1914 तक ये रेगुलेशन था गोल्ड स्टैंडर्ड का. उसके बाद आफ्टर 1914 ब्रेटन वुड सिस्टम अलाउ हो गया. ठीक है, फिक्स एक्सचेंज में, हर जगह नहीं, फिक्स एक्सचेंज में दो ही वेज है. तो पहले क्या था, पहले आपका गोल्ड स्टैंडर्ड था 1870 से 1914 तक, फिर आफ्टर 1914 ब्रेटन वुड सिस्टम स्टार्ट हो गया. तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम गोल्ड वॉज टेकन द कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी. पैरिटी वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, पैरिटी. पैरिटी मीन्स होता है इक्वालिटी. ठीक है, सो क्या कह रहा है कि
अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम गोल्ड वॉज टेकन एज द कॉमन यूनिट, कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग गोल्ड को ही क्या लिया गया था, कॉमन वैल्यू। मतलब अगर हमको इंडिया में या यूएस के साथ हमको क्या करना है, ट्रांजेक्शन करना है, तो यहाँ पे जो गोल्ड की वैल्यू होगी उस हिसाब से हम यूएस के साथ भी ट्रांजेक्शन करें, क्योंकि हमारा जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो गोल्ड की वैल्यू में ही होगा। गोल्ड स्टैंडर्ड में यही था कि जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे, हम अपनी कंट्री की जो करेंसी को कन्वर्ट करेंगे तो किसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा, गोल्ड की, सोने की कितनी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो द कॉमन यूनिट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन द करेंसीज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, की डिफरेंट कंट्री की जो करेंसी है उसको किसके इक्वल हम करेंगे, गोल्ड के अकॉर्डिंग ही करेंगे। सो ईच कंट्री डिफाइन द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। अब हर कंट्री क्या करेगी, अपनी वैल्यू अपने टर्म अपने गोल्ड के टर्म्स में बताएगी। जैसे इंडिया बोल दी 1 रुपी, वैसे तो इंडिया के लिए बहुत कम है, 1 रुपी मतलब 0.1 ग्राम। एग्जाम्पल है कि अगर 1 रुपी का मतलब है 1 ग्राम गोल्ड, तो ये इंडिया डिटरमाइन करी। तो हर एक कंट्री क्या करी है, अपने वैल्यू को डिटरमाइन करी है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पे दिया है 1 यूरो किसके इक्वल है, 2 kg ऑफ गोल्ड, 2 kg ऑफ गोल्ड। ये यूरो मतलब यूके में ये डिसाइड हुआ कि 1 यूरो का मतलब क्या होगा, 1 यूके जो यूरो है वो उसमें कितना मतलब है, 2 kg ऑफ गोल्ड के इक्वल है। वही आपका 1 डॉलर क्या कह रहा है, वो किसके इक्वल है, 1 kg ऑफ गोल्ड, वो 1 kg ऑफ गोल्ड के इक्वल है। ठीक है, अब 1 यूरो का मतलब है 2 kg ऑफ गोल्ड दे रहे हैं, और ये 1 डॉलर का मतलब है कि 1 kg ऑफ गोल्ड। तो अगर हम 1 यूरो की बात करेंगे, अगर हम 1 UK डॉलर वही यूरो की बात करेंगे, तो इस कंट्री इस कंडीशन में हमें 2 US डॉलर देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 यूरो का मतलब क्या है, 2 kg ऑफ गोल्ड, 2 किलो हमें गोल्ड देना पड़ रहा है, और 1 डॉलर किसके इक्वल है, 1 kg, तो यहाँ पे हमें 2 US डॉलर देना पड़ेगा, तो ये 1 यूरो के इक्वल है। क्योंकि अब जो हम लोग काम कर रहे हैं वो हम लोग किसके टर्म्स में कर रहे हैं, ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो हम लोग जो भी अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर रहे थे वो किसके टर्म्स में कर रहे थे, गोल्ड के टर्म्स में। मतलब और कोई भी चीज नहीं, कि आपके यहाँ गोल्ड की कितनी वैल्यू है उसके हिसाब से करेंसी कन्वर्ट हो रही थी। तो यहाँ पे एग्जांपल यही दे रहा है कि अगर 1 UK हम यूरो ले रहे हैं तो वो किसके इक्वल है, 2 kg गोल्ड के, और 1 डॉलर किसके इक्वल है, 1 kg। तो अगर हमको 1 यूरो का सामान लेना है, 1 यूरो को हमको कन्वर्ट करना है, तो 2 इसके इक्वल है, तो हमको मतलब 1 के इक्वल है, मतलब 2 US डॉलर हमको देना पड़ेगा। ठीक है, 2 US डॉलर हमको देना पड़ेगा, तब ये 1 यूरो के इक्वल होगा। क्योंकि हम जब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो इसमें हमको अपनी करेंसी को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो करेंसी को कन्वर्ट कर रहे हैं, जो हम इक्वल कर रहे हैं डिफरेंट करेंसी को, वो किसके टर्म्स में कर रहे हैं, गोल्ड के टर्म्स में कर रहे हैं। यही है आपका गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। ठीक है, यही है आपका गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। नेक्स्ट है आपका ब्रेटन वुड सिस्टम। तो इसमें क्या कह रहा है कि देन एक्सचेंज रेट वुड बी 1 UK यूरो इज इक्वल टू 2 US डॉलर। ठीक है, 2 US डॉलर के इक्वल। नेक्स्ट है आपका ब्रेटन वुड सिस्टम, ब्रेटन वुड सिस्टम। इसका टाइम पीरियड है 1945 से 71। तो ये कह रहा है दिस सिस्टम वॉज एडॉप्टेड टू हैव द ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम। ये जो सिस्टम एडॉप्ट किया गया था वो किसके लिए अडॉप्ट किया गया था, कि ट्रांसपेरेंसी रहे, मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो। सो अंडर दिस सिस्टम ऑल करेंसी वर पेग्ड, पेग्ड यहाँ पे टर्म यूज हुआ है, पेग्ड, पेग्ड मीन्स फिक्स्ड, और स्टेबल कर दिया जाता है, स्टेबलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दिस सिस्टम वॉज एडॉप्टेड टू हैव द ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी रहे। सो अंडर दिस सिस्टम ऑल करेंसी वर पेग्ड, सारी जो करेंसी होती है उसको फिक्स्ड कर दिया जाता है, और रिलेटेड टू US डॉलर। देखिए, अब इसमें एक सिंपल सा चीज कर दिया गया कि जितनी भी कंट्री की करेंसी है उसको किसके किसके थ्रू फिक्स कर दिया गया, US डॉलर, US डॉलर के ही थ्रू। क्योंकि आपको पता है US क्या है, एकदम US कंट्री के ही थ्रू, सॉरी US डॉलर के ही थ्रू क्या कर दिया गया, सब कुछ फिक्स कर दिया गया, जितनी भी कंट्री की करेंसी है।
विच अल्टीमेटली वॉज कन्वर्टेबल इन टू गोल्ड. अब उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, गोल्ड में कन्वर्ट किया जाएगा. पहले इसको स्टेबल किसके वैल्यू से किया जाएगा, यूएस डॉलर जितना है उसके थ्रू, फिर उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे. यही ब्रेटन वुड सिस्टम में कह रहा था. सो IMF वर्क्ड एज द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन इन कंट्रोलिंग द सिस्टम. तो इसमें क्या है, जो आपका IMF है, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, वॉशिंगटन DC, यही क्या करता है, यही इसका इसमें इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, एक टर्म है आपका SDR, उसी में ये क्या करता है, सारे को इसमें करेंसी, जितनी भी कंट्री की करेंसी है उसको लेके हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं. पहले स्टेबलाइज किस में करते हैं, यूएस डॉलर में, करने के बाद उसको फिक्स और स्टेबल कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ दी, कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, गोल्ड में. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, टू सिस्टम हो गया फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में. पहला गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या था, बेसिकली कि सारी जो कंट्री की करेंसी है उसको गोल्ड के इक्वल कर दिया जाता है. और आपका ब्रिटेन वुड सिस्टम में कि सबकी वैल्यू करेंसी को फिक्स कर दिया जाता है किसके टर्म में, यूएस डॉलर, फिर उसको हम लोग कन्वर्ट किस में कर लेते हैं, गोल्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, flexible exchange rate system. So it refers to a system in which exchange rate between the currencies of the different countries is determined by the market forces. ठीक है, इस system में क्या होता है, जो भी exchange rate है between different country उसको किसके through determine किया जाता है, by the market forces. जो भी market forces है आपके, market forces आपको पता है क्या क्या है, market forces, demand and सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी की कितनी डिमांड है, फॉरेन करेंसी की कितनी सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, रेट को डिटरमाइन किया जाता है. सो देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी नहीं होता है. एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज. जो भी एक्सचेंज रेट है वो किसके थ्रू डिटरमाइन हो रही है, बाय द मार्केट फोर्सेज. The exchange rate at which demand for the foreign currency is equal to the supply is called the power exchange rate. ठीक है, जब क्या होता है, demand for foreign currency किसके equal हो जाती है, supply of foreign currency, इसको क्या बोलते हैं, power exchange rate. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पार रेट ऑफ एक्सचेंज, की जब आपकी डिमांड जो है फॉरेन करेंसी की किसके इक्वल हो जा रही है, सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी. ठीक है, सो नॉर्मल रेट और इक्विलिब्रियम ऑफ रेट फॉरेन एक्सचेंज, इसको और क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेट और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी बोलते हैं. ठीक है, सारा इसको यही बोलते हैं, जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो. सो इट इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबल. इसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल बोलते हैं बिकॉज इट टेंड्स टू चेंज विद द चेंज इन मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. क्योंकि ये क्या है, ये चेंज हो जाता है विद द चेंज इन द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई. मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग ये चेंज भी हो जाता है. ठीक है, तो पहला क्या पड़ा, फिक्स पड़ा, जिसमें जो डिटरमाइन कर रहा था वो कौन कर रहा था, गवर्नमेंट कर रही थी. और फ्लेक्सिबल में क्या है, यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू क्या हो रहा है, सारा डिटरमाइन हो रहा है. नेक्स्ट है आपका मेरिट्स ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के सिस्टम के मेरिट क्या है, तो इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ओवर वैल्यूएशन एंड द अंडर वैल्यूएशन ऑफ द करेंसी. कि जो भी करेंसी की ओवर वैल्यू हो जा रही है, मतलब अगर 70 है तो 70 से ज्यादा हो जा रही है, अंडर वैल्यूएशन हो जा रही है करेंसी 70 से 65, तो इसके थ्रू क्या होता है, ये रिमूव हो जाता है. क्योंकि सब कुछ किसके थ्रू डिटरमाइन हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई की. नेक्स्ट है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू होल्ड 100% गोल्ड रिजर्व. अब यहाँ पे कोई भी, जैसे गोल्ड हम लोग फिक्स में पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, गवर्नमेंट को 100% गोल्ड रिजर्व रखना पड़ा था ना, क्योंकि गोल्ड से ही तो उसको ट्रांजेक्शन करना था, गोल्ड से ही तो उसकी वैल्यू डिटरमाइन हो रही थी. बट इस कंडीशन पे क्या है कि उसको गोल्ड 100% गोल्ड रिजर्व में नहीं रखना है. नेक्स्ट कह रहा है, इट इनकरेज द वेंचर कैपिटल. ठीक है, ये क्या करता है, वेंचर कैपिटल को भी इनकरेज करता है. अब वेंचर कैपिटल क्या होता है, बेसिकली वेंचर कैपिटल होता है कि जब कोई भी परचेज होता है फॉरेन एक्सचेंज का, वो इंक्रीज हो जाता है. लोग क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी को या फॉरेन एक्सचेंज को, करेंसी को परचेज करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, वो लोग
मार्केट सप्लाई जैसे ही उसकी वैल्यू क्या होती है वो इंक्रीज करती है, वो इंटरनेशनल मनी मार्केट में इसको सोल्ड आउट कर देती है। जैसे मैंने क्या किया, डॉलर की डॉलर बहुत सारा खरीद कर लिया। ऐसे बहुत सारी बिजनेस है, वेंचर कैपिटल क्या है, ऐसे बहुत सारे इंटरप्राइजेस हैं जो ये काम करते हैं कि वो इंटरनेशनल मनी मार्केट से वो या कोई भी फॉरेन करेंसी को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, मार्केट में इंक्रीज हो गई, तो इंटरनेशनल मनी मार्केट में इसको सोल्ड आउट कर देते हैं, उससे उनको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के थ्रू ये भी इंकरेज होता है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज किसके थ्रू डिटरमाइन हो रही है, डिमांड एंड सप्लाई। अब सप्लाई अगर उसकी ज्यादा डिमांड होने लगेगी, डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं ये लोग, उसको सोल्ड आउट कर लेते हैं। सोल्ड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू लोगों को अगर ज्यादा में भी मिलेगा तो लोग परचेज करेंगे, तो ऐसी जो भी ये वेंचर कैपिटल करता है उनको प्रॉफिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डीमेरिट्स ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के डीमेरिट्स क्या है, सो देयर इज नो स्टेबिलिटी। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी स्टेबिलिटी नहीं होती है, स्टेबिलिटी इन सेंस की, क्योंकि सब कुछ किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग हो रहा है। मतलब उसमें क्या था, ये अगर हम फिक्स की बात करें तो उसमें क्या था, स्टेबिलिटी थी कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी गोल्ड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या है, कोई भी फ्लेक्सिबल, यहाँ पे कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि सब कुछ किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो यहाँ पे देयर इज नो स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कीप्स फ्लक्चुएटिंग अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो क्या होता है, वो कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट करता है डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। सो दिस डिसकरेज इंटरनेशनल ट्रेड एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो पॉलिसीज बिकम इनकन्वीनियंट। इसके थ्रू क्या होता है, ये डिस्करेज करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई चीज जब स्टेबल नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या है, कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट करती रहती, तो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता है, और कोई भी जो भी मैक्रो पॉलिसीज डिफरेंट बन रही हैं वो भी क्या होती है, वो इनकन्वीनियंट हो जाती हैं। तो इस कंडीशन पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजर्व क्या है, वो सही नहीं माना जाता। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम लोगों ने पढ़ा फिक्स एंड फ्लेक्सिबल। सो इट्स ऑल अबाउट योर टूडेज क्लास। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैनेज्ड फ्लोटिंग पढ़ेंगे, और आपका डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट तो क्या है, आपके सिलेबस में अब है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉजेज ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो उसके कॉजेज क्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू।